चलो, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो पार्ट, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहला जो आसान तरीका है वो फेजर है। कहा क्या रहा है, देखो, एक SHM है, ये मीन पोजीशन ओरिजिन पे है, इधर से पार्टिकल इधर जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ द टी दिया हुआ, टाइम टेकन पार्टिकल टू ट्रेवल एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां से, देखो, टाइम टेकन पार्टिकल एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब पार्टिकल देखो, यहां से फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन से हाफ ऑफ यहां तक आने में, ये टी इक्वल टू जीरो था, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था इक्विलिब्रियम पोजिशन, और यहां एम्पलीट्यूड ए बाई टू तक आने में जो टाइम टी लगेगा उसको हमें निकालना है। समझ रहे हो? तो ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। अब करोगे कैसे, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। पहला जो है वो फेजर डायग्राम है। फेजर में क्या होता है, एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है टी इज इक्वल टू जीरो पर। इस पाथ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उसका जो प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ है, तो एक्स और वाई एक्स, एक्स या किसी भी वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है वो SHM करता है। परपेंडिकुलर SHM करता है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो ये जो रेडियस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। अभी पार्टिकल मीन पोजीशन से ए बाई टू पर है, तो यहाँ से फेजर ऐसा एंगल ट्रेस करेगा, ये एंगल फाई ट्रेवल करेगा और ये यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन आएगा, ये प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का आधा है ए बाई टू, क्योंकि रेडियस एम्पलीट्यूड होता। अगर ये थीटा है तो ये भी फाई है, तो ये भी फाई है, तो साइन फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो इस ट्राइंगल में आ जाओ, रेडियस एम्पलीट्यूड होता है तो साइन पी और डिवाइडेड बाई ए बाई टू और ए पी, ए बाई टू और एच ए, तो ए आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब साइन 30, पाई बाई 6। तो जो फेज का डिफरेंस आ जाएगा वो पाई बाई 6 आ जाएगा। जिसको फेजर नहीं आता है वो पढ़ेगा तब। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, इस आर्क पे जाने में जो टाइम लगा वो पाइप, जो टाइम लगा वो तो हमें चाहिए, वही तो चाहिए। तो यहाँ पर आप एक रिलेशन याद रखो, SHM में बहुत इम्पोर्टेंट है और इस फेजर में काफ़ी काम आता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिफरेंस। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो फेज डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में फेज डिफरेंस पाई बाई 6 आ गया, और 2π टाइम कैपिटल टी है और टाइम डिफरेंस कितना आया वो निकाल लेते हैं, पाई ने पाई को, तो टाइम डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी बाई 12। तो टी बाई 12 सेकेंड लगा होगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। ये मेथड अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको फेजर पढ़ना पड़ेगा। चलो, दूसरा तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका है, उससे भी कर सकते हो सेकेंड मेथड, कि अगर या पार्टिकल ए से बी तक गया तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हो आप, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पोजिशन डिपेंडेंट। तो एक्स की वैल्यू ए बाई टू हो गया और ए साइन ओमेगा की वैल्यू 2π टाइम पीरियड हो गया और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी। तो ए ने ए को, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2π स्मॉल टी कैपिटल टी इज इक्वल टू साइन ये 1/2, हाँ सही, ये 1/2, इधर बचा 1/2 और साइन 1/2 मतलब पाई बाई 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2π स्मॉल टी कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो भैया पाई ने पाई को, तो टाइम पीरियड टी इज बाई 12। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको ये वाला मेथड इस क्वेश्चन में बेसिकली आसान लग रहा होगा, पर मैं आपको बताऊं, फेजर खतरनाक चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता है।
तो मेरे हिसाब से इसके साथ रहो।